हे व्हाट्सअप ड्यूड, क्या हाल चाल है? वेस बढ़िया झकास बिंदास। ओके, तो जो भी एमएमयू यूनिवर्सिटी आने वाले हो उनका बस मुझे एक ही सवाल रहता है, क्या रहता है पता है, कि बोनाफाइड कब से शुरू, मतलब बोनाफाइड कटना कब से स्टार्ट होगा या फिर क्लासेस कब से शुरू होगी, बस यही सारी चीज़ें। और तो उनके पास का टॉपिक ही नहीं है। और मैं ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन किया हूँ कि देखो भाई, जो भी मतलब कि मुझसे क्वेश्चन करते हो ना, तो वो मतलब बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो कि यार तुझे नहीं बताना, ये वीडियो मत डालो, ये वीडियो मत डालो, दिस डैट, मतलब कि यार एक बात बताओ, तूने मुझे पैसे दिए हैं नहीं दिए यार, तो फिर। और ये बताओ भाई, मैं व्यूज के लिए, ये बताओ, मैं व्यूज के लिए तो बस वीडियो नहीं बना रहा। ओके, मैं अगर मैं चाहूँ तो हर दिन में बस ये टॉपिक डाल के वीडियो बना दूँ, भाई बोनाफाइड कटना स्टार्ट हो गया है, बोनाफाइड का ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, ये करके मैं भाई अच्छे खासे व्यूज कमा सकता हूँ, पर मैं व्यूज के लिए वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। ओके, मैं चाहता हूँ कोई आप लोग के पास एक सही इन्फॉर्मेशन जाए, जिससे आप लोग सही गाइडेंस मिले। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फेक वीडियो बना के डालना स्टार्ट करूँ तो बता दो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में, फेक वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे भी भाई आज के बाद मैं एमएमयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाऊंगा, खुद का जो पर्सनल ब्लॉग है वही बनाऊंगा, ना एमएमयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं किसी का हेल्प करूंगा कुछ भी। ओके, क्योंकि देखो भाई, क्योंकि मैं भाई थक चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं मुझे बहुत ही एग्रेसिव के साथ बोलते हो भाई आपको नहीं बताना फिर चैनल क्यों स्टार्ट किया है। यार मैंने ब्लॉगिंग के लिए चैनल स्टार्ट किया था ना कि आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ इस करके क्योंकि आप भाई बिहार के स्टूडेंट हो। ओके, तो आज के इस वीडियो में आप लोग को भाई जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस में आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ, ये भी कन्फर्म नहीं है। ओके, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप ज़्यादा कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत है कि भाई साहब कंफर्म नहीं है तो कंफर्म करके बताओ, तो ऐसा करो जिसके थ्रू एडमिशन कर रहा है उससे जान लो, क्योंकि भाई पैसे आपका वो लिया है। ओके, पैसे आपका वो लिया है तो वो आपको बताएगा, मैं तो नहीं बताऊंगा ना। ओके, तो भाई प्लीज़ एग्रेसिव मत हुआ करो, क्योंकि मुझे बुरा लगता है कि भाई अगर मैं सामने वाला बंदा का हेल्प कर रहा हूँ और सामने वाला बंदा मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है तो भाई मुझे प्रॉब्लम होगी। ओके, तो भाई एटीट्यूड दिखा के बात, क्योंकि भाई देखो गलती आपकी नहीं, गलती इसका टाइम का है, क्योंकि जिस टाइम में भाई हर काम हो जाना चाहिए आप लोग भी टेंशन में होंगे, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, पर भाई वो जो गलती है आपकी, जो आप प्रॉब्लम में हो, वो प्रॉब्लम आप मेरे पे तो नहीं थोप सकते हो ना कि आशीष भाई ये है, आशीष भाई ने वीडियो नहीं बनाया। आप मैंने दो तीन वीडियो देखा है, मैंने दो तीन लोगों का भी वीडियो देखा है कि आप हर किसी के कमेंट बॉक्स में जाके यही बोलते हो कि भाई बोनाफाइड वीडियो बनाओ, और वो बंदे वीडियो बना भी रहे, फेक वीडियो बना रहे हैं, यार उनके पास सही इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। क्योंकि मैं आप लोगों को सच बताऊं, सही इन्फॉर्मेशन जो है, जब तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं आई जाता ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आता है। जैसे कि मेरे पास अभी ऑफिशियल नोटिस आया था। ओके, जो कोई कृतिका मैम है, शायद मेरे कोई स्टूडेंट को ही भेजा था कि 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट होने वाला है, फिर मैंने नोटिस वो बंदा भेजा, वो बंदा एकदम बोला कि भैया कैसे कब क्लास स्टार्ट हो रहा है, मैं तो डर गया हूँ, ये वो, भैया आप ही बता दो कैसे क्या मतलब करना है। फिर मैंने नोटिस देखा, फिर मैंने देखता हूँ कि भाई ये तो भाई नए बच्चे का है ही नहीं है, तो 5th सेम वालों का है, मतलब कि ये हम लोग का है, 3rd सेम वालों का, जो आपसे सीनियर है उन लोग का है, तो आप लोग बेमतलब का भाई साहब इन सब चीज़ों में फंस रहे हो। आखिर में बोनाफाइड कटने का डेट का है। देखो भाई आपको पता है कि DRCC ब्लॉक किया गया है, DRCC अगर MM यूनिवर्सिटी को ब्लॉक किया है तो MM यूनिवर्सिटी पर भी जाँच बैठी है। ओके, तो MM यूनिवर्सिटी में जाँच बैठी है, जिसमें आप DRCC के कुछ ऑफिसर्स आएंगे और MM यूनिवर्सिटी से जाँच करेंगे, बच्चे का रिव्यू लेंगे, जो कि 3 से 4 दिन मतलब कि 24 से 25 तारीख तक आप लोग का मतलब कि क्या बोलते हैं जांच होएगा। जांच होने के बाद उसके बाद 26 से 27 तारीख तक फाइनल होएगा। आपको पता है कि पैसे का जमाना है तो कोई भी चीज़ होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड आप लोग का 100% यार 101% आप लोग का बोनाफाइड कट जाएगा। तो भाई अगर आप लोग अभी भी जानना चाहते हो डेट क्या है, फाइनल डेट बताओ, तो मेरे पास जब तक भाई ऑफिशियली रिवील होकर मेरे पास नहीं आएगा मैं फेक वीडियो नहीं डाल सकता हूँ। और जिसको यार प्रॉब्लम है कि चलो आशीष भाई तो वीडियो नहीं डालते हो, तुम ये वीडियो डालते हो, वो वीडियो डालते हो, दिस ये डैट ये, ये सारी चीज़ें, और भाई क्लास स्टार्ट रहने की बात हुई तो वो भाई सितंबर के बाद ही होगा, सितंबर के बीच में ही होगा, अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर स्टार्ट में या सितंबर मिड में कभी भी हो सकता है क्लास स्टार्ट। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा उसे 10 दिन पहले मैं आप लोग को बता ही दूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लो, आराम से चिल करो। मुझे पता है अभी आप लोग चिल नहीं कर पा रहे हो, पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यार, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है नहीं। जब तक मेरे पास ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक मैं आप लोग को बताऊंगा नहीं, और जब तक मैं बताऊंगा नहीं जब तक आप लोग भाई साहब आओगे नहीं। आपकी भी बात सही है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता यार, कि और मुझसे जो ऐसे बात करते हो भाई आपने, मैं बहुत सारे ऐसे मैंने कमेंट देखे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे मैंने कमेंट देखे हैं भाई, DM आते मेरे पास ये सारी चीज़ें, तो मुझे भाई बुरा लगता है कि चलो मैं इतना हेल्प कर रहा हूँ उसके बाद भी बंदे ऐसे मुझे एटीट्यूड में बात कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी अगर आप लोग चाहते हो कि MM यूनिवर्सिटी के लिए मैं वीडियो बनाऊँ तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में सपोर्ट कर सकते हो। अगर मेरा सपोर्ट नहीं आया तो मैं MM यूनिवर्सिटी का वीडियो बनाना आज से मैं बंद कर दूंगा, और MM यूनिवर्सिटी का आप लोग का कोई भी स्टूडेंट हो किसी का भी मैं हेल्प नहीं करूंगा आज के बाद। सिंपल सी भाई मैं पक चुका हूँ इतना, मैं दूसरे 2 यूनिवर्सिटी में वीडियो बनाया, MMU वीजू वाले भी इतना नहीं मुझे पकाया जितना आप लोग ने मुझे पकाया है।
और इसलिए मैं पकता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे मुझे रहना है, यहाँ मैंने मैंने उस बच्चे को फेस करना है, बस इसलिए मेरे को डर भी लगता है और पकता भी हूँ मैं। वही सिंपल सी बात है, अगर जो मेरे सपोर्ट में हो भाई कमेंट बॉक्स में सपोर्ट लिख दो, और सपोर्ट में नहीं हो तो भाई साहब नेक्स्ट टाइम से एमएम यूनिवर्सिटी का वीडियो आएगा नहीं। अब उसके बाद भाई हाथ में है आपका, बोलो तो भाई साहब मैं क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो बनाना ही बंद कर देता हूँ। मिलते हैं गाइस फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से।